Now we are starting question number 16, exercise miscellaneous, chapter 11 हमारे पास चल रहा है, class 12th है. If O be the origin and the coordinate of P, B, 1, 2, minus 3. Brother, अगर आप इस सब को देखेंगे, ध्यान से, please थोड़ा सा इसे अगर आपने ध्यान से देखा, तो आपको दिख जाएगा इसका आंसर इसी के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है. आपको ध्यान रखना है, हमें क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनानी है, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू पी, P से वो पासिंग थ्रू कर रहा है एंड परपेंडिकुलर किसका है, OP के वो परपेंडिकुलर है. तो OP का जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्टली नॉर्मल होगा, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमें फाइंड आउट करनी होगी. तो OP है कहां से, यहां से, और यहां से आप OP को निकाल सकते हो. और OP, O क्या है आपका, ओरिजिन है, मतलब 0 0 और 0 आपका पॉइंट है. तो चलिए आप यहां पर आराम से बना सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी. और डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या आएंगे ब्रदर, वो आ जाएंगे आपके पास 1 सेम आ गए, आप 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, माइनस 3 में से 0, सेम हमारे पास ओपी के डायरेक्शन रेशियो आ गए. ये सब कह क्या रहा है, पहले उसको आपको समझना बहुत जरूरी है. देखिए मान लीजिए ओरिजिन में से, जैसे यहां ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां से एक आपके पास ये ओ है, ये पी है, यहां पर एक प्लेन है, बात समझ रहे, तो हमें इस प्लेन की, जो ये प्लेन यहां पर है, इसकी इक्वेशन बतानी है. और इसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको पासिस थ्रू पॉइंट पता हो और आपको डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो आप एक प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. कैसे, देखिए सर, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक इक्वेशन प्लेन की, पासिस थ्रू, जो कि पासिस जाता है कहां से, एक्स वन, वाई वन, जेड वन, एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, और उसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है, नॉर्मल समझते हैं ना, जो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई थी, ये नॉर्मल है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ए बी सी अगर हो, तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है ब्रदर, ए और फिर एक्स माइनस एक्स वन, पहले भी यूज करा था, बी और फिर वाई माइनस वाई वन, और प्लस सी और जेड माइनस जेड वन, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन रहती है. किस कंडीशन में, जब आपके पास पासिस थ्रू पॉइंट पता हो और नॉर्मल भी पता हो. तो आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये रहा आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यहां पर पता है, और पासिस थ्रू पॉइंट इसने कहा है पासिंग थ्रू पी, तो पी के जो पॉइंट है ये रे 1 2 3, तो आपको एक्स वन ब्रदर, एक्स वन, वाई वन और जेड वन, ये यूज करना है. ए के प्लेस में आप क्या यूज कर लेंगे, वन, और x माइनस एक्स वन के प्लेस में आप क्या यूज करेंगे, 1, b के प्लेस में आप क्या यूज करेंगे, 2, और ब्रदर y1 के प्लेस में आप क्या यूज करेंगे, 2, c के प्लेस में आप क्या यूज करेंगे, माइनस 3, और z माइनस z1 के प्लेस में आप क्या यूज करेंगे, माइनस 3. तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गया है, आपके पास ऑप्शन है, चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, यहां पर इक्वल टू 0 भी होता है आपके पास, तो ये हो गया है x माइनस 1 और प्लस आपके पास आ गया 2y plus 4 minus 4 है, समझ रहे, तो 2y minus 4 यहां पर ऑप्शन है, और इसके बाद आपके पास है minus 3z और plus 9 equal to 0. देखिए सर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए x plus 2y, सम को पूरा देख लीजिए अच्छे से, जिंदगी भर याद रहेगा, यहां से आगे आप सोल्व कर लेंगे, समझ के छोड़िए मत, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. x plus 2y और यहां पर आपके पास है minus 3z और यहां पर आप इसे माइनस कर लीजिए 9 और आपके पास 9 ऑप्शन है, नेगेटिव था ये, ठीक है, माइनस के 9, माइनस के 4 और माइनस के 1, माइनस के 14 इक्वल टू 0. दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द ओपी, ओपी से जो जा रहा है, जो उसका नॉर्मल भी रहेगा और क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ओपी रहा है. तो आई होप ये इजी सम आपको इजीली समझ में आ गया होगा, हमने काफी इजी तरीका यहां पे ध्यान रखा है. आपको याद क्या रखना है ब्रदर, आपको ये दो लाइन हमेशा याद रखनी है, इन दो को तो आप हमेशा याद रखना, तभी ये इजीली सॉल्व हो सकता है. अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जब मर्जी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे साथ फेसबुक में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, थैंक यू.